नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रुकमाई जीव विज्ञान आज हम सेट नंबर 18 करने वाले हैं और कहें तो लास्ट चैप्टर है आपका। और आज के टॉपिक का नाम क्या है? जंतु का वर्गीकरण। क्या? जंतु का वर्गीकरण। आज इसी के क्वेश्चंस को करेंगे, लगभग 50 से ज्यादा क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम फिजिक्स में एंटर कर जाएंगे, तो हो सकता है मंडे से चले, ठीक है, तो वो बात की बात है। लेकिन अब हम ये जो बायोलॉजी का टॉपिक है इसको हम खत्म करना है, ठीक, रुक्मणी का। और वहीं पर बात करें हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव का, उसमें हमने फिजिक्स को खत्म कर लिया है, ठीक। रोजाना आपको एक एक टॉपिक मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको पीडीएफ मिलते रहते हैं। इसके अलावा पीडीएफ के बारे में मैंने बताया ही, 53 टॉपिक का हमारे स्ट्रेटेजी का पीडीएफ है। मैथ जिनका वीक है वो हमारे मैथ के 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर ले सकते हैं। इसके अलावा रेलवे साइंस, रेलवे परीक्षा स्पेशल साइंस, ये वाली पीडीएफ है। ये तीनों पढ़ के आप जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा है इसमें बेहतर कर पाएंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें, टॉपिक का नाम पहले ही मैंने बता दिया है, जंतु का वर्गीकरण। जंतु का वर्गीकरण, ठीक, ये आपका टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, रजत मछली होती है। तो रजत मछली की बात करें कैसी होती है, रजत मछली सिल्वर फिश बोलते हैं इंग्लिश में इसको। बात करें एक प्रकार की कीट इंसेक्ट कैटेगरी में आती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यानी कि रजत मछली जो होती है वो कीट के कैटेगरी के अंतर्गत आती है, यानी कि इंसेक्ट कैटेगरी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर दो की बात करें, हाल ही में लुप्त पक्षी कौन सी है? तो हाल ही में लुप्त पक्षी की बात करें डोडो। डोडो यहाँ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, डोडो, ठीक। मॉरिशस में पाया जाता था डोडो, ये अभी लुप्त पक्षी की कैटेगरी में आ गया। क्वेश्चन नंबर तीन की बात करें, न उड़ने वाला पक्षी कौन है? यहाँ पे देखो ऑप्शन के हिसाब से बताना, तो यहाँ पे मोर, बत्तख, ईमू, हंस। तो ईमू ध्यान रखिएगा, ईमू एक प्रकार का पक्षी है लेकिन ये उड़ता नहीं है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट बर्ड कैटेगरी में आता है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर चार की बात करें, कीटों का मुख्य लक्षण कौन सा है? कीटों के मुख्य लक्षण की बात करें, इनमें तीन जोड़ी टांगें होती हैं, 3 pairs of legs होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, कीटों के मुख्य लक्षण, ठीक। क्वेश्चन नंबर पांच की बात करें, द्विनाम पद्धति का जनक यानी कि बाइनोमियल, जो आपके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जनक की बात हो रही है, कौन थे भाई? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, किसी को पता नाम? तो इस पुस्तक का नाम था सिस्टमा नेचर नामक पुस्तक लिखी थी किसने? कैरोलस लिनियस ने। क्वेश्चन नंबर पांच का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिक्स की बात करें, स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? स्तनधारियों की महत्वपूर्ण लक्षण की बात करें, इनमें 4 chambers heart होता है, यानी कि 4 कोष्ठी हृदय होता है, ये स्तनधारियों का प्रमुख लक्षण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सेवन की बात करें, व्हेल एक स्तनधारी है, क्यों व्हेल एक स्तनधारी है, इसका आंसर क्या होगा? व्हेल एक स्तनधारी या मैमल है क्योंकि इसमें 4 chambers heart पाया जाता है, यानी कि 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता है, इसलिए ये स्तनधारी की कैटेगरी में आती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, उड़न मछली कौन सी है? फ्लाइंग फिश की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक्सोटिसस जो है वो एक प्रकार की उड़न मछली की कैटेगरी में आती है, ठीक। इन्हें फ्लाइंग कॉड भी बोलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो ध्यान रखिएगा एरिस्टोटस को हम फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक भी बोलते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन की आधारभूत इकाई की बात करें तो स्पीसीज है, स्पीसीज यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, हाइड्रा है, हाइड्रा क्या है? तो हाइड्रा की बात ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का मांस भक्षी है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे चले क्वेश्चन नंबर 12 की, कौन सा कीट नहीं है, इनमें से कौन सा कीट नहीं है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, बिच्छू एक प्रकार का कीट नहीं है, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या बोलते हैं, इसका आंसर क्या होगा भाई? तो घरेलू मक्खी के लार्वा की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैगट। क्या बोलते हैं? घरेलू मक्खी के लार्वा को मैगट बोलते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, घरेलू मक्खी के जो लार्वा होती है उसको बोलते हैं मैगट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है उसको क्या बोलते हैं? तो वह उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है उसे बोलते हैं एपीकल्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। रेशम कीट पालन से संबंधित है तो उसे बोलते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। रेशम कीट पालन से संबंधित है तो सेरीकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर किसे बोलते हैं? अगर जो बागवानी से संबंधित है, बागवानी से संबंधित तो हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। पीसी कल्चर किसे बोलते हैं? मत्स्य से संबंधित हो, मत्स्य पालन से, तो उसे
पीसी कल्चर बोलते हैं, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 15 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सिल्क वर्ग से संबंधित है, सिल्क वर्ग से संबंधित है, इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन के हिसाब से देखो तो सेरी कल्चर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सिल्क वर्ग से संबंधित है। 16 की बात करें, मधुमक्खी में संचारण का साधन क्या होता है, तो मधुमक्खी में संचारण के साधन की बात करें ये नाच होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, नाच, ठीक। नेक्स्ट बात करें, डांस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक, ये तो आपको पता होगा, इसका पता किसने लगाया था, वॉन फिश ने, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 17 की बात करें, उस वैज्ञानिक का नाम क्या जिसने मधुमक्खी के संचरण की भाषा का पता लगाया था, तो क्या मैंने अभी बताया, कॉर्ल वान यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कॉर्न वार्न फिश, इनका पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, इन्होंने मधुमक्खियों के डांस का पता लगाया था, संचरण की जो भाषा है, ठीक। 18 की बात करें, मौन घाटी जहां पर पादपों और जंतुओं की दुर्लभ जातियां प्रजातियां पाई जाती है वह कहां पर है, तो मौन घाटी या साइलेंट वैली की बात करें यह कहां पे है, केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 19 की बात करें, रेशों की फसलें जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं, उसे वो कौन सी है, कपास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, भारत में हॉकी स्टिक किससे बनती है, तो भारत में हॉकी स्टिक की बात करें मोरस अल्बा यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक, इसे व्हाइट मलबरी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, डेयरी के दूध तथा पादप पदार्थों के किण्वन करने वाला जीवाणु कौन सा है, तो डेयरी के दूध और पादप पदार्थों का किण्वन करने वाले जीवाणु की बात करें तो उसे लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, दीनाम पद्धति अर्थात कि प्रत्येक जीव के दीनाम पद्धति का मत अर्थ पूछा, दीनाम पद्धति के जनक हमने देखा कैरोलस लीनियस थे, लेकिन दीनाम पद्धति का अर्थ क्या होता है, तो इसका ध्यान रखिएगा, एक नाम में जीनस और दूसरे में स्पीसीज यानी कि जाति के शब्द होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 23 की बात करें, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है, कीट की बात करें यहाँ पे आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 24 की बात करें, प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये भी ऑप्शन नंबर एक केचुआ इसका राइट आंसर होगा। 25 की बात करें, चींटी के कितने पैर होते हैं, चींटी के पैर की बात करें टोटल 6 पैर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 26 की बात करें, ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन करते हैं, ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 27 की बात करें, रेशम किससे उत्पन्न होता है, रेशम की बात करें किससे उत्पन्न होता है, तो रेशम की बात करें कीड़े के प्यूपा, रेशम के कीड़े के प्यूपा से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 28 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी शीत रक्त जानवर है, इसका आंसर क्या होगा, तो शीत रक्त यानी कि कोल्ड ब्लडेड जानवर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी, छिपकली मेंढक मछली सभी यहाँ पे शीत रक्त जानवर है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, इसका आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा ये प्यूपा अवस्था होती है जिसमें वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित तंतु है, तो इसका आंसर होगा रेयान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, वर्मी कंपोस्ट या खाद किस तरह की खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट या खाद की बात करें किस तरह की खाद होती है, तो यहाँ पे ध्यान रखें केचू द्वारा उत्पादित जैविक खाद एक प्रकार की वर्मी कंपोस्ट वाली खाद होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 32 की बात करें, उर्वरकों में यह तत्व अनुपस्थित होता है, कौन सा तत्व उर्वरकों में अनुपस्थित होता है, तो आपको मैंने बताया था एनपीके तो होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम, ठीक, लेकिन इसमें जो क्लोरीन होता है ये नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 33 की बात करें, विश्व में सबसे बड़ा और सबसे लंबा स्तनधारी कौन सा है, तो विश्व में सबसे बड़ा और सबसे लंबा स्तनधारी की बात करें नीली व्हेल या ब्लू व्हेल जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 34 की बात करें, ऑर्थ्रोलॉजी किसका अध्ययन करता है, ऑर्थ्रोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अंतर्गत करते हैं, ज्वाइंट्स या जोड़ों का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 35 की बात करें, जीवाश्म पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में, किसमें, अवसादी चट्टानों में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 36 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है, इसका आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा नियोपाइलाइना एनेलिडा यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 37 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी मूक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जिराफ इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है, तो मकड़ी इसका राइट आंसर होगा, मकड़ी कीट नहीं है, ठीक है, इसे कीट श्रेणी में नहीं रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, किसे टैक्सोनॉमी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी का जनक किसको बोलते हैं, कैरोलस लीनियस को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वो मर जाते हैं, इसकी क्या वजह है? जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं इसकी वजह से वह मर जाते हैं, इसकी मेन वजह की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा परासरणी प्रघात, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 41 की बात करें, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की बात करें, ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक, उत्तर प्रदेश में आप जाओगे तो बरेली में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, निम्नलिखित में अंडा देने वाली स्तनपाई कौन सी है? अंडा देने वाली स्तनपाई कौन सी है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चींटी, कंटीली चींटी खोर यहाँ पे जो होती है, ये आपकी अंडा देने वाली स्तनपाई, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, विश्वव्यापी तापन को संभावित परिणाम क्या हो सकता है? विश्वव्यापी तापन यानी कि जो आपका विश्वव्यापी जो तापमान में टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो इसका मेन रीजन क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, समुद्र के स्तर में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग मेन रीजन हो सकता है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तटरेखा में परिवर्तन, ये सारे रीजन है आपकी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, रगने और विष पर करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो रेगने वाले को रेप्टाइल बोलते हैं, ये आप सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है? एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है, इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त आंखें, यानी कि आपका कंपाउंड आईज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 46 की बात करें, काकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? काकरोच के लार्वा को बोलते हैं निम्फ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, निम्फ बोलते हैं। 47 की बात करें, बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को बोलते हैं जरा विज्ञान, जरा विज्ञान यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 47 की बात करें, डॉल्फिन है, डॉल्फिन एक प्रकार की स्तनधारी है, ध्यान रखिएगा, स्तनपाई यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 49 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, मकड़ी एक प्रकार की कीट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 50 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं? तो ध्यान रखिएगा, स्टारफिश को मछली की श्रेणी में नहीं रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 51 की बात करें, मानव किस प्रजाति से संबंधित है? तो मानव की बात करें, होमो सेपियंस, इसका आपको साइंटिफिक नाम पता होगा, तो होमो प्रजाति, प्रजाति कौन सी है? होमो, ठीक, होमो प्रजाति है। नेक्स्ट बात करें, मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मैग्नीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है, ठीक। नेक्स्ट बात करें, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन की बात करें तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को हम कीट संवर्धन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 54 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो क्या आंसर हो जाएगा? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 55 की बात करें, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन के समूह की बात करें, इसको पॉड बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, पॉड। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो आप सबको पता होगा, हमिंग बर्ड, ऑप्शन नंबर ए। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के खून के रंग की बात करें, ये होता है ब्लू, नीला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपाई की बात करें, मैमल की बात करें, तो ये ब्लू व्हेल है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। लीमर क्या है? तो लीमर की बात करें, लीमर आपका मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक प्रकार का जानवर होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं? तो मगरमच्छ के बच्चों को ध्यान रखिएगा, हैचलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैचलिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 61 की बात करें, ओनेरियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? ओर्नोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो इसके अंतर्गत हम स्वप्न का अध्ययन करते हैं, स्वप्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 62 की बात करें, डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली किसके लिए प्रसिद्ध थे? डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ध्यान रखिएगा, एक प्रकार के पक्षी वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक। सलीम अली एक पक्षी विशेषज्ञ थे, ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इंडियन बर्ड, ठीक है, इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं डॉक्टर सलीम अली को, ये भी ध्यान रखिएगा। सोरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो सोरोलॉजी के अंतर्गत हम बात करें तो छिपकली का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन होता है? तो मनुष्य के अध्ययन की बात करें, एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हम मनुष्य का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्क परिवार से संबंधित है? कौन सा जीव मोलास्क परिवार से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा घोगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, घोगा। चलिए 66 क्वेश्चन थे इस टॉपिक में, अब यहाँ पे बात करें हम, आपका बायोलॉजी जो टॉपिक था ना, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, हो सके मंडे से करें, ठीक है, मंडे से करेंगे। और आप लोगों का लूसेंट का आपका जो मैं करा रहा था, लूसेंट का साइंस, ठीक है, लूसेंट हो गया,
लूसेंट का ऑब्जेक्टिव और आपका रुक्मणी का। ये रुक्मणी में आपका जो बायोलॉजी था वो खत्म हो गया, और इसमें बात करें लूसेंट में आपका फिजिक्स खत्म हो गया। यानी कि नेक्स्ट आपका लूसेंट में हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, इसमें आपका फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक, एक तरीके से रिविजन भी हो जाएगा। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यार पीडीएफ आप लोग बाय नहीं करते, पीडीएफ बाय करो। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।